दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 15x10 की एक पूरी वॉल पर डेकोरेट्स कंपनी की ओर से आने वाली PVC टाइल्स की इंस्टॉलेशन जो दोस्तों दिखाने वाला हूं। आज तक आपने ऐसी टाइल्स जो हो दोस्तों नहीं देखी होंगी, ना ही ऐसा वॉल का डिजाइन या सीलिंग का डिजाइन आपने दोस्तों देखा होगा जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूं। पूरी प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा। ये आप सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, ये जो टाइल है ये 2x2 की टाइल्स है और ये डेकोरेट्स कंपनी की ओर से आती है। दोस्तों इसको परचेस करने का सारा सिस्टम मैं आपको दोस्तों बताऊंगा किस तरीके से आप इसको खरीद सकते हैं और अपने घर पर बहुत ही आसानी से इसको जो है इंस्टॉल करा सकते हैं। ये मटेरियल कैसा है और वॉल वगैरह पर लगने के बाद में किस तरीके से ये जो है वो दिखाई देता है। ये जो टाइल मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ इसको आप मल्टीपर्पज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी सीलिंग में भी लगा सकते हैं और अपनी वॉल पर भी जो है दोस्तों लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं इस टाइल को आपको पूरी वॉल पर लगा करके दिखाऊंगा, 15x10 की एक पूरी वॉल पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज आपको जो दोस्तों मिलने वाली है। दोस्तों बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आया हूं, तो इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको एनालाइज हो पाए कि जो मार्केट में और अदर प्रोडक्ट्स हैं तो उनसे ये प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है और अपने घर पर इसको लगा करके आप कितना एनहेंस अपने घर का लुक जो है वो कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए मैं पूरा तरीका आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ। ये 15x10 की पूरी वॉल है और इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो वॉल का आपको सेंटर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सेंटर किस तरीके से ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वॉल का सेंटर जो है दोस्तों लिया जा रहा है और सेंटर पॉइंट लेकर के आपको टाइल किस तरीके से इंस्टॉल करनी है वो आगे आपको पूरा तरीका मैं आपको दोस्तों दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो टाइल है वो 2x2 की टाइल है और इस तरीके से हम पहले बीच में से वॉल पर लगा करके जाएंगे और लास्ट तक कैसे पूरी वॉल पर पूरी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की जाएगी सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूं कि जो हम एडहेसिव यूज़ कर रहे हैं वो फेविकॉल का हिटेक्स यूज़ कर रहे हैं। आप SR998 नंबर वाला जो हो दोस्तों यूज़ कर सकते हैं या अगर आपके एरिया में जो SR998 फेविकॉल का SR आता है 998 नंबर का अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो दोस्तों आप जो फेविकॉल का हीटेक्स आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइल पर जो हीटेक्स है यानी जो एडहेसिव है आपका टाइल पर लगा लेना है और उसके बाद में पूरी टाइल पर लगाने के बाद में वॉल पर जिस जगह आप टाइल लगाएंगे तो उस पूरी जगह पर 2x2 के एरिया में आपको जो एडहेसिव है वो लगा लेना है और कुछ इस तरीके से इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको करनी है। अब जब आप दूसरी टाइल लगाएंगे दोस्तों तो इस पर आप जो ग्रुप की है वो ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग किस तरीके से करेंगे तो वो आप यहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन का तरीका मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप एडहेसिव लगाएं तो लगाने के बाद आपको कम से कम 30 सेकंड एक मिनट अगर आप हीटेक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इंस्टेंट एडहेसिव है तो जल्दी सूख जाता है, तो थोड़ा सूखने के बाद में जब आपको पूरी टाइल जो है दोस्तों लगानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं, जो बीच में टाइल के ग्रुप दिया हुआ है दोस्तों और दूसरी टाइल के ग्रुप को पहली वाली टाइल के ग्रुप से ऊपर के ऊपर लगा करके तब आपको टाइल लगानी है। बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरीके से पूरी इंस्टॉलेशन का तरीका मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ। बिल्कुल क्लोजली पूरा इस वीडियो में दिखा रहा हूँ किस तरीके से डेकोरेट्स कंपनी की जो ये PVC टाइल्स हैं इनको हम वॉल पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको सीलिंग टाइल की इंस्टॉलेशन दोस्तों दिखाई थी, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कि सीलिंग में टाइल किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि इस वॉल पर मैं ये जो टाइल आपको दोस्तों लगा करके दिखा रहा हूँ, इन इस तरीके की टाइल्स को या जो और भी बहुत सारे डिज़ाइंस डेकोरेट्स कंपनी की ओर से आते हैं तो उनको आप सीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको वॉल पैनलिंग दिखा रहा हूँ और इसका सीलिंग का डिज़ाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो टाइल हमने दोस्तों ये सेम कलर की टाइल सेम डिज़ाइन की टाइल सीलिंग पर भी इंस्टॉल की हुई है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल जो पूरी इंस्टॉलेशन का तरीका है वो आप देखते रहिए, एक एक टाइल बिल्कुल किस तरीके से इंस्टॉल की जाएगी वो सब कुछ आप दोस्तों देखेंगे और इंस्टॉल होने के बाद में जो टाइल का लुक निकल करके आएगा, पूरी जो वॉल का लुक निकल करके आएगा वो कैसा आएगा सब कुछ आप प्रॉपर इस वीडियो में जानेंगे। तो अब चलिए दोस्तों मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो ये टाइल हैं ये किस कंपनी की हैं और कैसे इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, किस मटेरियल की बनी हुई है, सब कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एकदम न्यू रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट है,
जो डेकोरेट्स कंपनी आपके लिए इंडिया में लेकर के दोस्तों आई है। ये आपके लिए जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जिसको कंपनी गुजरात राजकोट में जो है दोस्तों बना रही है, ये राजकोट की ही कंपनी है। तो दोस्तों अपना इंडियन प्रोडक्ट है और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको दोस्तों इसकी क्वालिटीज अगर बताऊँ तो ये फायर रेजिस्टेंट है, आग से इस पर कोई प्रॉब्लम जो है दोस्तों नहीं आने वाली है या हीट के कारण कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये वाटरप्रूफ है और टर्माइट प्रूफ है, किसी भी तरीके का आपको पानी से या सीलन वगैरह से इस पर जो है नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आपकी वॉल पर सीलन आती है तो कोई प्रॉब्लम आपको दोस्तों नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ टर्माइट प्रूफ है, कोई आपको दीमक वगैरह का कोई भी खतरा यहाँ पर जो है नहीं होने वाला है। जैसा आप वुड में देखते हैं या और अदर प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में तो दोस्तों उनमें प्रॉब्लम आ जाती है टर्माइट वगैरह की, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल टर्माइट प्रूफ है और जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि वाटर प्रूफ है, जब आप इसको टाइल्स पर धूल वगैरह जाती है तो आप इसको बहुत ही आसानी से गीले कपड़े से भी जो दोस्तों साफ कर सकते हैं, तो इजी टू क्लीन है। और आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी इसकी 5 साल की वारंटी जो है दोस्तों दे रही है। अगर आपकी बाय चांस कोई भी टाइल ब्रेक होती है तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल के अंदर अंदर कोई भी टाइल ब्रेक होती है या मतलब कोई भी नुकसान आपका होता है तो कंपनी आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोस्तों चेंज करके देगी, रिप्लेस करेगी। और उसके अलावा दोस्तों इन टाइल को परचेज करने के लिए आपको देखिए एक काम करना है, आपको जाना है decorates.in पर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, decorates.in पर आपको जाना है और वहाँ पर इनके सभी डिज़ाइंस आप दोस्तों देख सकते हैं और जो अलग अलग साइजेस में ये टाइल्स आती हैं। देखिए अभी मैं फ़िलहाल आपको 2x2 की इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ, इनका 2x4 का भी साइज आता है तो उस और इनके विनाइल रोल वगैरह भी जो हो दोस्तों आते हैं, तो वो सब कुछ आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं कुछ सेलेक्टेड डिज़ाइंस आपको दोस्तों वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहा हूँ, पूरी आप चेकआउट यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। और दोस्तों जो टाइल के प्राइस वगैरह हैं सब कुछ टाइल के नीचे जो हो दोस्तों लिखे हुए हैं, मेंशन किए गए हैं किस टाइल का क्या प्राइस है, उसके हिसाब से आप जो हो अपने अपने बजट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये कि अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है तो उसके लिए कंपनी ने बहुत ही आसानी की है। यानी अगर आप मान लीजिए आप सोच रहे हैं इन टाइल्स को ख़रीदना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी टाइल्स परचेस करनी होगी तब कंपनी आपको दोस्तों माल भेजेगी। यहाँ पर आप एक से एक दो तीन चार कितने भी सैंपल जो हो दोस्तों परचेस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी जो हो दोस्तों आपके घर पर की जाएगी। आपको डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं देना होगा, जितना प्राइस टाइल का होगा उतने प्राइस में आप अपने घर पर जो टाइल है वो उसके सैंपल मंगा सकते हैं, एक दो चार सैंपल आप जो हो दोस्तों मंगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रोडक्ट की, इससे आपको क्वालिटी का पता चल पाएगा। जब आपको लगे कि हाँ प्रोडक्ट में वाकई जान है, प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो दोस्तों आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी जो दोस्तों मंगा सकते हैं। और मंगाने के लिए दोस्तों आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, वेबसाइट पर जाना है, डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्वांटिटी अपनी चूज़ करनी है और उसके बाद क्वांटिटी लगाने के बाद में आपको ऑर्डर जो है प्लेस कर देना है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद लगभग आपके 14 से 15 दिन आपके दोस्तों लग सकते हैं आपके जो पूरे मटेरियल को घर तक पहुंचने में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, जब भी आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसको मंगाने के लिए आपको कम से कम 14-15 दिन जो हो दोस्तों देने होंगे, ताकि 14-15 दिन का टाइम कंपनी को लगता है वो इसलिए जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और जितनी क्वांटिटी में आप मंगाना चाहेंगे पहले कंपनी उसको बनाएगी, आपके डिज़ाइन के हिसाब से आपको उसको मैन्युफैक्चर करेगी और उसके बाद में आपके घर पर पहुँचने में 13-14 दिन या 15 दिन जो हो दोस्तों लग सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल प्रॉपर इंस्टॉलेशन मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ, पूरी इस वीडियो में प्रॉपर इंस्टॉलेशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों खर्च वगैरह के बारे में पूरी जानने के लिए कि टाइल्स का लगाने का क्या खर्चा आता है या सब कुछ, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहां पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या स्क्रीन पर भी जो नंबर आपको दोस्तों दिया गया है इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप डिटेल्स जो हो दोस्तों ले सकते हैं।
और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप इनकी वेबसाइट decorates.in पर जाकर के सभी टाइल्स के डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। कंपनी के 300 प्लस डिज़ाइंस हैं और दोस्तों बहुत एक वाइड रेंज है इनके पास में। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है दोस्तों कि जो डिज़ाइन वेबसाइट पर दिए गए हैं, अगर उनमें से भी कोई डिज़ाइन अगर आपको पसंद नहीं आता है या आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो उसको भी कंपनी आपको बना करके देगी। कस्टमाइजेशन इसमें जो दोस्तों कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा वॉलपेपर वगैरह में कस्टमाइजेशन होती है, तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी है कि आप अपनी पसंद का जो टाइल है वो बनवा सकते हैं और उसको ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। अब जैसा कि आप मान लीजिए दोस्तों नॉर्मल पीवीसी पैनल होते हैं उनमें जो पैनल के डिज़ाइन आते हैं सेम वो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उनको परचेस करना होगा। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई बनवाना चाहते हो तो पीवीसी पैनल में कोई कस्टमाइजेशन नहीं की जाएगी। या लोअर वगैरह हैं तो उनमें सेलेक्टेड कलर्स आते हैं या सेलेक्टेड डिज़ाइंस आते हैं या जो अपनी मर्ज़ी का आप डिज़ाइन चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, आप अपने हिसाब से जो डिज़ाइन चाहते हैं वो बनवा सकते हैं या कंपनी के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं उनमें से आपको 100% कोई ना कोई जो है दोस्तों ज़रूर से पसंद आएगा। बहुत सारे वाइड रेंज में इनके पास डिज़ाइंस हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको समझ आ रही होगी। अगर वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी इस वीडियो से मिली है या प्रोडक्ट आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पूरी जानकारी के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया है जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी नीचे इनकी वेबसाइट का मैं लिंक आपको दोस्तों दे रहा हूँ, वेबसाइट पर जाकर के आप प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, प्राइस वगैरह के बारे में जानने के लिए, क्वालिटी वगैरह के बारे में जानने के लिए सब कुछ आपको पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो टाइम लैप्स करके पूरी वीडियो आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए दोस्तों कंप्लीट होने के बाद पूरी वॉल का लुक आपको दोस्तों दिखा देता हूं, जो लुक निकल करके आया है वो कैसा आया है। आज से पहले कभी आपने दोस्तों ऐसा वॉल पैनल डिजाइन नहीं देखा होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। दोस्तों ये इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस तरीके की पीवीसी टाइल्स जो हो दोस्तों बना रही है। आप बिल्कुल ध्यान से डिजाइन को देख सकते हैं, लगने के बाद में जो इनका लुक निकल करके आ रहा है वो कैसा आ रहा है। मैंने साइड में RGB लाइट लगाई हुई है तो लाइटिंग इस पर पैनल पर पड़ने के बाद में जो डिज़ाइन
दिख रहा है दोस्तों, वो एक अलग ही लेवल की फिटिंग जो है दोस्तों आ रही है। आप पूरा डिज़ाइन बिल्कुल क्लोजली देख सकते हैं और पैनल का भी पूरा मैं आपको लुक बिल्कुल क्लोजली दिखा रहा हूँ। जो टाइल्स हमने दोस्तों 2x2 की टाइल्स इंस्टॉल की हैं वो किस तरीके से की हैं, अभी देखिए यहाँ पर हमने एक ये वॉल लाइट यहाँ पर लगाई है और दूसरी लाइट यहाँ पर लगाई है। अभी इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन इस लाइट की दोस्तों बाकी है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक बार वाइट करके भी पूरा आपको दोस्तों पूरी वॉल का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइल्स वॉल पर लगने के बाद में कितना प्यारा इसका लुक जो है दोस्तों निकल करके आया है। और दोस्तों अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं, अपने घर पर लगवाना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी की वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल आप ले सकते हैं या इनके नंबर पर आप व्हाट्सएप पे भी पूरी जानकारी जो हो दोस्तों ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इनको आप सीलिंग में भी जो वो यूज़ कर सकते हैं, तो सीलिंग के डिज़ाइन भी आप देख लीजिए। और दोस्तों जो पहले मैंने आपको बताया था कि सीलिंग में भी हमने इंस्टॉलेशन की है टाइल्स की, तो वो ये पूरा आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये है हमारी सीलिंग की टाइल्स और ये भी दोस्तों डेकोरेट्स कंपनी की ओर से आती हैं और इन टाइल्स का भी पूरा डिज़ाइन दोस्तों आप देख सकते हैं सीलिंग में लगने के बाद में जो इनका लुक है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए दोस्तों, एक अलग ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग आपको दोस्तों आएगी इन टाइल्स को लगवाने के बाद में।